हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही नई रेसिपी पापड़ चाट लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले पापड़ को तलना है। ये एक्चुअली केरला का एक बहुत ही फेमस स्नैक्स है जिसे पापड़ वड़ा कहते हैं, और हमने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाके इसे चाट बना दिया है, तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बेहतरीन बना है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मैंने चावल का आटा लिया है, तो एक कप मैंने चावल का आटा लिया है। इसमें बाइंडिंग के लिए, अच्छे से बाइंडिंग हो, इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच मैदा। फिर हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच हींग का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, तो मैंने एक चौथाई चम्मच नमक लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाला है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एक चम्मच मैं इसमें काले तिल डाल रही हूँ, इसका काला तिल डालने से जो है इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और एक चौथाई चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो हमारा जो मैदा और हमने जो चावल का आटा लिया है ये हमें पापड़ की कोटिंग के लिए यूज़ होगा। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, ग्रेजुअली डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। हमें एक फाइन बैटर तैयार करना है, जैसा कि बैटर हमारी डोसे के लिए होता है उसी तरह का थोड़ा गाढ़ा बैटर चाहिए, और उसे हमें ताकि हमारा जो पापड़ है उसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो आप अच्छे से इसे मिक्स करें, कहीं लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए इस तरह से गाढ़ा बैटर हमने तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला हुआ तो आपके जो पापड़ है वो अच्छे से कोट नहीं होगा। मैंने इस तरह से प्लेन पापड़ लिया है, आप जो पापड़ हो आपके पास अवेलेबल आप वैसा पापड़ ले सकते हैं। अब इस पापड़ को हम इस तरह से डिप कर देते हैं। इस घोल में हमने अच्छे से डिप कर दिया है, और डिप करके आप 2 मिनट के लिए इस तरह से पकड़े कि उसका जो एक्सेस जो बैटर है वो निकल जाए, और उसके बाद मीडियम आंच पे आप इसे तलने के लिए डाल दें। ध्यान रखें आंच बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम ही रखना, और तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसे हमें एक साइड तक कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक वो अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए आप इसे निकालेना। अब इसे आप निकाल लें, और अब हम इसकी चाट की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले बारीक प्याज डाल दिया है, और मैंने इसके साथ ही ऊपर सेकेंड लेयर डाली है बारीक कटे हुए टमाटर की। अब इसमें हमें थोड़े से मसाले डालने हैं, तो थोड़ा सा मैं नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि प्याज टमाटर में नमक मैंने अलग से डाला नहीं। और उसके साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ थोड़े से तीखेपन के लिए। थोड़ा सा चाट मसाला डाला है मैंने, ताकि उसका चाट का एक स्वाद आ सके। हमारा चाट तैयार हो रहा है, और इसे गार्निश किया है मैंने कटे हुए हरे धनिए के साथ। लास्ट में इसे चटपटा बनाने के लिए हम डाल देते हैं कुछ ड्रॉप्स लेमन के। तो इस तरह से हमारी चटपटी पापड़ चाट तैयार है। एक बार आप ज़रूर बना के देखें, बहुत इजी चीज़ है और बहुत ही बढ़िया बनती है।